स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ न्यूट्रिशंस। मेरा नाम अजय है। सो अब हम लोग सीओए का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले जो कि अपना वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो अब ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है, तो जब आप बोल सकते हैं, जब हिस्ट्री अगर हम देखने जाए सीओए की, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की, सो जो सबसे पहला मॉडल था जो कंप्यूटर, जहां से मतलब आप बोल सकते हैं जो आइडिया आया था स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का, वो हमको इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर से आया था, जिसको बनाने वाले का नाम था वॉन न्यूमैन। इसलिए उनके रेड पे इसको नाम दिया गया है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। सो इसका बेसिक फंक्शन इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सो अब जब बेसिक अपन कंप्यूटर को यूज करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है अपना प्रोग्राम। सो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि मैंने अभी बोला। और एक इंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब उसको अगर हम सब एटॉमिक उसका डेफिनेशन देखें तो क्या है, फॉर्म ऑफ कंट्रोल कोड, मतलब कुछ चीजें कंट्रोल करते हैं या कुछ ऑपरेशन से परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर। सो उसको हम एक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप करेंगे तो हमको हमारा प्रोग्राम मिलता है। जैसे कि प्रोग्राम में आप बोल सकते हो कि वो एक समझो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन उसमें क्या होंगे, अलग अलग एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये एक एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन होंगे। तो जब आप इन सबको ग्रुप करोगे तो आपको एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम मिलेगा, ठीक है। सो अब वॉन न्यूमैन ने एक मशीन डिजाइन की कि ऐसी मेरी कंप्यूटर मेरा दिखेगा। सो उसके कंप्यूटर में क्या क्या था, एक इनपुट यूनिट था, एक आउटपुट यूनिट था, इनपुट आउटपुट तो जरूरी है, बीच में क्या चाहिए था उसको, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट चाहिए था और एक मेमोरी यूनिट चाहिए था। सो आप देखते कि एक एक करके एक्चुअल में ये सब का फंक्शन क्या है। सो ऐसा कुछ उसने ब्लॉक डायग्राम बनाया था उसके डेज में, कि उसने क्या कैसे बनाया था कि ये एक इनपुट डिवाइस रहेगा, वो इस पर्टिकुलर सीपीयू को, आप इसको आप सीपीयू बोल सकते हो, सीपीयू को मतलब कुछ इनपुट देगा। सो क्या होगा, उसमें भी दो पार्ट था, एक सीपीयू था अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक मेमोरी यूनिट था, ठीक है। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो यूनिट थे अलग अलग, एक कंट्रोल यूनिट, एक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और वो लोग डील किसके साथ करते थे, पूरा सीपीयू किसके साथ डील करता था, मेमोरी के साथ। सो मेमोरी और सीपीयू साथ में मिलकर काम करते थे, उस चीज को परफॉर्म करते थे और फाइनली आउटपुट मिलता था, ठीक है। सो इन शॉर्ट क्या हो रहा था कि इनपुट से कुछ चीज आ रही थी, ऐसा आप बोल सकते हैं कि यहां से अगर कुछ एक चीज आ रही है, सो उसको पहले सीपीयू अपना वो परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के लिए उसको डेटा चाहिए, तो डेटा कहां से लेगा, मेमोरी से। और जब वो अपनी चीज को परफॉर्म कर देगा तो जो आंसर मिलेगा वो कहां लिखेगा, वो आउटपुट में दिखाएगा। सो ये बेसिकली वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था। तो अब एक एक करके देखते कि इनके फंक्शंस क्या है। सो पहला है इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस क्या है कि कंप्यूटर्स एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट्स। अभी डिवाइसेस कौन से कौन से आप इसके एग्जांपल में ले सकते हो, माउस, जॉयस्टिक्स, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव और मॉडेम। सो अब एक एक करके कैसे आप इसको बोल सकते हो, अभी इनपुट आप कैसे भी दे सकते हो। समझो आपने एक चीज की कि आपको कोई विंडो क्लोज करनी, तो आपने माउस यूज करके क्रॉस बटन पे दबाया। सो अब इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी उसमें, कि आपने उस पर्टिकुलर पिक्सल पे क्लिक किया है। सो ये इंफॉर्मेशन माउस पहुंचाएगा किसको, सीपीयू को, जो हम लोगों ने देखा ना इधर। सो इनपुट डिवाइस समझो अगर यहाँ पे माउस था, तो माउस क्या चीज पहुंचाएगा उसके पास कि इस पिक्सल पर मेरे को क्लोज करना है। तो कंट्रोल यूनिट वो चीज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ डिस्कस करके मेमोरी में से वो पिक्सल पे फिलहाल क्या है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, वो निकालेगा और फिर उसको पता चलेगा अच्छा मुझको इन विंडोज क्लोज करना है, और उसके बाद वो चीज वो आउटपुट पे दिखाएगा। आउटपुट यहाँ पे क्या होगी, मॉनिटर होगी, तो मॉनिटर पे वो विंडो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह जॉयस्टिक्स, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव। अब हाँ, फ्लॉपी ड्राइव और सीडी ड्राइव यहाँ पे इनपुट में क्यों है, कि समझा आपने कोई एक एक्सटर्नल फ्लॉपी ड्राइव या सीडी ड्राइव किया है। चलो बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मूवी कॉपी करनी, ठीक है। सो मूवी कॉपी करनी है तो आपका सीडी ड्राइव है, उसमें से डेटा आपको आपके पीसी में कॉपी करना है, मतलब आपको एक सीडी ड्राइव से दूसरे हार्ड डिस्क में उसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या होगा, अपना सीडी ड्राइव, और आउटपुट डिवाइस क्या होगा, अपना हार्ड डिस्क जो अपने कंप्यूटर का है। सो बीच में जो कॉपी पेस्ट का जो फंक्शन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, अपना सीपीयू अलॉन्ग विथ मेमोरी यूनिट, क्योंकि स्टोर किधर करोगे, मेमोरी में ना। सो मेमोरी यूनिट उसको उसका ट्रैक रखेगा कि कौन सा फ्रेम चला गया, ऐसे ऐसे करके आपका काम हो जाएगा। सो इनपुट यूनिट बेसिकली क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स कोडेड इन्फॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट। अब जो इन्फॉर्मेशन आता है वो बाइनरी कोड्स में आता है, जैसे अगर आप कीबोर्ड पे ए प्रेस कर दो, सो उसका एक अलग कोड होता है, तो सीपीयू ये नहीं समझता कि आपने ए प्रेस किया, वो उस बाइनरी कोड को समझता है कि हाँ इसका मतलब कि ए प्रेस हुआ है, समझे। सो नेक्स्ट है अपना आउटपुट यूनिट। सो अब आउटपुट यूनिट, जैसा कि हमने इनपुट यूनिट पे उसको काफी डिस्कस कर लिया, कि इट सेंड्स प्रोसेस रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब इसका काम क्या है
कि सब काम करवा के जो फाइनल आउटपुट दिखाना है वो ये करता है आउटपुट यूनिट। सो इसका डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं, वीडियो टर्मिनल मतलब आपका मॉनिटर बोल सकते हो उसको, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव, मॉडेम। अब फ्लॉपी ड्राइव सीडी ड्राइव आप बोलोगे इनपुट में भी था आउटपुट में भी आया, कैसे? तो अगर आपको पीसी में से वो मूवी वापस किसी और को देनी है उसकी सीडी ड्राइव में तो कैसे करोगे? तब इनपुट डिवाइस आपका क्या हो जाएगा, आपका हार्ड डिस्क, और आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, सीडी ड्राइव। सो इस तरह से। और मॉडेम तो आपको पता है मॉडेम क्या होता है, सो मॉडेम तो आपको पता है क्या होता है कि वो क्या करता है, पहले मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को, फिर डी मॉड्यूलेट करता है। सो कभी कभी आप उसको एज एन इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हो कि पैकेट्स आए हैं, और आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हो कि पैकेट्स भेजने हैं। सो मॉडेम भी एक आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट भी दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, इट ऑपरेट्स एंड परफॉर्म्स ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिविजन। सो अब बेसिकली ये क्या करता है मालूम है कि ये अपने सीपीयू का समझो मैथमेटिशियन है, इतना समझ लो अपने सीपीयू का मैथमेटिशियन है कि इसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। सो जितना भी मैथ्स वाला जो चीज आता है ना कि इंस्ट्रक्शंस में अगर समझो कुछ मूव है कि 1000+50 मुझको हेडर पे ये पर्टिकुलर स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन पे, तो ये जो सब एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना वो ये सब करता है। कौन करता है अपना आलू करता है। आलू कौन है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सो वो अपना मैथमेटिशियन है, ठीक है। सो उसका बेसिक ऑपरेशंस क्या है, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, मैथमेटिकल अलोंग विद लॉजिकल, अब लॉजिकल एंड और नॉट सब वो करता है, ठीक है। सो जितना भी अपन ने आज तक पढ़ा है मैथ्स वो सब आलू करता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या, ऑपरेशंस ऑफ एएलयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट आर कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। अब ये तो हो गया, चलो टीम मेंबर्स थे अपने पास, पर उनके ऊपर कोई तो चाहिए ना उनको मैनेज करने के लिए। समझो इनपुट वाला थी, इनपुट वाले का आ गया पर एएलयू तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, वो उसको कुछ प्रोसेस ही नहीं कर रहा। सो ये सब परफॉर्म कौन करता है, और तब तक इनपुट वाले ने दूसरा भेज दिया इनपुट, और इधर उसने पहला वाला ही नहीं किया तो इधर जम्बालप हो गया, आपका पीसी हैंग हो गया। सो ये तो गलत हो गया ना। सो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इस पूरे एग्जीक्यूशन को दिमाग में रखते और उसको मैनेज करते हैं, एक इनपुट आया तो जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा तब दूसरा इनपुट अगर मैं ले रहा हूं तो मुझको ये एश्योर करना पड़ेगा कि कुछ जम्बालप ना हो। सो ये जो चीजें है, जो मैनेजमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो कौन देखता है, अपना कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या देखता है, ऑपरेशंस ऑफ एएलयू मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स, मतलब बाकी सारे मॉड्यूल्स का कंट्रोल ये करता है, इसलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। और ये कैसे कम्युनिकेट करता है, सिग्नल्स के थ्रू। सो ये इट सेंड्स द सिग्नल्स टू अदर यूनिट्स, कैसे ऐसे करना है भाई तुमको, ठीक है। अब ये आएगा तो तुम लोग इसके साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। फिफ्थ है अपना मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या है, मेन मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एज वेल एज डेटा। अब मेमोरी यूनिट क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों साथ में रखता है, तो इस चीज को ही हमने बोला है कि ये एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट है। मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और उसके लिए जो डेटा लगेगा ना, अब जैसे आप बोल सकते हो कि मुझको एड्रेस लोकेशन 1000 और एड्रेस लोकेशन 1010 फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों के कंटेंट्स को एड करना है। सो अब इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, एड, और ये दोनों मेमोरी लोकेशंस, साथ में डेटा कौन सा लगेगा, इन दोनों का डेटा लगेगा, बराबर। सो वॉन न्यूमैन ने कैसा आर्किटेक्चर बताया था कि जो मेरा मेमोरी यूनिट होगा ना उसमें ये दोनों चीज स्टोर होगी कॉन्करेंटली, और कॉन्सिक्वेंटली ये दोनों अपडेट होंगे। मतलब मेरी बात समझे आप, कि ये दोनों मेमोरी लोकेशन को मैं ऐड करूंगा और फिर रिजल्ट डेक में स्टोर करूंगा, और साथ ही साथ जो डेटा है ना वो भी अवेलेबल होना चाहिए बाजू में, तो उससे क्या होगा, फास्ट थ्रूपुट मिलेगा सीपीयू से। सो ये ही बेसिक मतलब उसका जो हाईलाइट बोल सकते हो ना वॉन न्यूमैन का, वो यही था, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो ये इंस्ट्रक्शन एज वेल एज डेटा को साथ में रखते हैं, यूज्ड बाय द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब प्रोग्राम को क्या क्या लगेगा, इंस्ट्रक्शंस लगेंगे और उससे रिलेटेड डेटा लगेगा। सो भाई मिल गया उसको तो एक ही जगह पे मेमोरी यूनिट पे। तीसरा क्या है, स्टोरेज ऑफ मेमोरी सेल्स, और मेमोरी सेल्स क्या स्टोर करता है, बाइनरी डिजिट। सो अब स्टोरेज क्या कंप्राइज करता है, छोटे छोटे मेमोरी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज को आप एक बोल सकते हो कि समझो कैसे बोलू, एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, और हर एक कंपार्टमेंट में आप क्या स्टोर कर रहे हो, बाइनरी डिजिट स्टोर कर रहे हो। सो मेमोरी सेल्स है और एक एक सेल ना बाइनरी डिजिट होल्ड करवा रहे हो, ठीक है। फोर्थ क्या है, ईच मेमोरी लोकेशन हैज अ यूनिक एड्रेस। अब मेरे को एक बात बताओ, सबके घर का एड्रेस यूनिक होता है, नहीं होता, क्यों, क्योंकि किसी किसी की बिल्डिंग का नाम और विंग और रूम नंबर सेम हो सकता है,
पर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हम लोग ने क्यों हटा दिया इस चीज को, क्योंकि अगर मेरा जो सीपीयू है वो थोड़ी इतना दिमाग लगाएगा कि मेरे को यही करना है, उसको तो जो दोगे वही करेगा ना। सो मेमोरी लोकेशन को कैसे हम एड्रेस करते हैं, हर एक को इंडिपेंडेंटली एड्रेस करते हैं, ताकि उसमें ना कोई हमारा रिडंडेंसी आए ना ही कुछ प्रॉब्लम आए, कि पता चले 5 + 6 करना था पर दो जगह सेम होने के बजाय 5 और 7 हो गया। मेरी बात समझी? सो जो मेमोरी लोकेशन है वो हर एक का यूनिक एड्रेस होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दो का एड्रेस सेम हो सकता है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब जुड़ा भाई वाला सीन ही नहीं है मेमोरी यूनिट में। ठीक है, सब अलग अलग दिखते हैं। ओके, फिफ्थ, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन और रिट्रीवल डिपेंड्स ऑन द बस। अब बस को मैंने लिखा है अलग कलर में, क्यों? क्योंकि जो बस होता है ना वही अपना क्या करता है चीजें, जैसे आप बस में ट्रैवल क्यों करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो जो डेटा होता है उसका जो ट्रांसमिशन और रिट्रीवल जो दोनों चीज होती है वो कौन करता है? बस। सो उसका स्पीड, अब बस जितनी फास्ट चलेगी उतना जल्दी पहुंचोगे, बराबर, और बस स्लो चलेगी तो आप लेट पहुंचोगे। सो उसी तरह स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा डिपेंड्स ऑन द बस। सो ये अपन ने सारे पांचों के पांचों यूनिट देख लिया, तो कौन से यूनिट थे उसमें एक बार खुद ही रिवाइज कर लेते हैं। ये था अपना डायग्राम। इनपुट डिवाइस देख लिया क्या करता है, अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो थे, कंट्रोल यूनिट और ALU और मेमोरी यूनिट, और फाइनली अपना आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सो अभी तो हमने वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर देख लिया कि उसने क्या बनाया था एक्चुअल में, अब देख लेते हैं उसकी की फीचर्स क्या है। सो उसकी की फीचर्स क्या है, पहला क्या है, द वॉन न्यूमैन मशीन यूजेस स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको वापस बता रहा हूँ कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या था, एक ही मेमोरी यूनिट है उसमें मेरा इंस्ट्रक्शन भी है साथ साथ में डेटा भी है, सो एज अ होल मैं प्रोग्राम को फटाफट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सेकेंड क्या है, द प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी यूनिट, वही बात वापस लिखिए। ठीक है, तीसरा क्या है, ईच लोकेशन ऑफ द मेमोरी कैन बी एड्रेस्ड इंडिपेंडेंटली। सो मोस्टली आप देख रहे हो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का जो की फीचर्स है ना वो सारे रिलेटेड है मेमोरी यूनिट से। सो अगर आपने मेमोरी यूनिट पढ़ लिया तो आपका की फीचर्स हो जाएगा, और वाइस वर्सा, की फीचर्स पढ़ लिया अच्छे से तो मेमोरी यूनिट में आप कुछ भी लिख सकते हो सेम। ठीक है, सो ईच लोकेशन ऑफ द मेमोरी कैन बी एड्रेस्ड इंडिपेंडेंटली टू अवॉइड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी होगा ही नहीं, आपके पास अलग अलग एड्रेस है तो आप कभी भी जा सकते हो, बराबर। हाँ, और फोर्थ क्या है, एक अलग थोड़ा, कि सीक्वेंशियल फैशन में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ऐसा नहीं कि अगर तू पहले आया तो तेरे को कर देते हैं, दूसरा वाला लेट पहुंच रहा है, समझो एक इंस्ट्रक्शन को डेटा कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है तब तक छोटा वाला आ गया। सो ऐसा नहीं होता प्रोग्राम में, कैसा होता है, अब आप जब गेम खेलते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब पहले ही आप फाइनल राउंड में पहुंच जाते हो, ऐसा नहीं होता ना, स्टेप बाय स्टेप जाते हो। सो उसी तरह वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर है ना वो भी स्टेप बाय स्टेप चीजें करता है, समझे? सो पहला इंस्ट्रक्शन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन, जब तक कि प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, और जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो जय राम जी की बोल के उसको आगे निकाल देगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का, और अगर अच्छा लगा तो सबसे पहली चीज करो इसको शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि चैनल बहुत यूजफुल है, और हमारी वेबसाइट को विजिट करो जाके www.lastmomentquestions.com। सो आप वहां पे इसका पूरा कोर्स ले सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो आप ले सकते हो। हाँ, और आपको इसकी डिटेल नोट्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझको पता है सीओ एक काफी हार्ड सब्जेक्ट है, सो इसमें सिर्फ वीडियो देख के आपको कुछ नहीं होगा, एग्जाम में लिखने के लिए आपको नोट्स चाहिए। सो नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो, हैंड रिटन है, मैंने खुद लिखे हैं बहुत अच्छे से, सो एक बार चेकआउट कर लो। और थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।